आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक छात्राओं की कैरियर एंड गाइडेंस के संबंध में मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य रश्मि पांडे ने माँ सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डॉक्टर, वकील, पुलिस और शिक्षकों ने छात्राओं को विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के में भाग भी लिया। आज ये हमारे विद्यालय में समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कैरियर एंड गाइडेंस कैरियर एंड काउंसलिंग डे दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें सर्वप्रथम हमने बच्चों से, जिससे कि बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो उनको एक एम निश्चित करना पड़ता है, उसके लिए उनका कैरियर क्या होना चाहिए इसके बारे में उनको जानकारी देनी थी, उनको एक प्रशिक्षण देना था। तो उसमें बच्चों के लिए पहले उनके कैरियर के प्रति क्या सोच है इसके संबंध में ड्रॉप आउट बॉक्स में कुछ पर्चियाँ डलवाई गई कि वो क्या बनना चाहते हैं। उसमें से काफ़ी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने लिखा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके संबंध में हमने विशेष विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आमंत्रित किए, डॉक्टर्स को बुलवाया, पुलिस में पुलिस थाना इंचार्ज को बुलाया, वकील साहब को बुलवाया और हमारे टीचर्स थे तो, और अमेरिकन फाउंडेशन से हमारे प्रतिनिधि थे। तो उन संबंध में उन जितने भी विषय विशेषज्ञ थे उनको, बच्चों को इस संबंध में जानकारी दी कि अपने टेंथ के बाद या फर्स्टर के बाद या इंटर के बाद उन्हें किस कैरियर में जाना चाहिए, उनकी क्या रुचि और जाने के लिए उन्हें क्या प्रयास करने चाहिए। पिथौरागढ़ जिले की डिडीहाट विधानसभा में सेना के जवानों की तरफ से फर्जी मतदान के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले को लेकर डिडीहाट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि बैलेट पेपर में फर्जी मतदान का ये प्रकरण बहुत ही गंभीर है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सेना के कुछ जवान गलत तरीके से एक ही उम्मीदवार को बार बार वोट डाल रहे थे। कल एक हमारे पास कंप्लेंट आई है, जिसमें कुछ आर्मी के जवान बैलेट पेपर पर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें थाना डीडीहाट में रेलेवेंट आईपीसी सेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ऑलरेडी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है और कुछ ही समय में इसका हम जो है खुलासा भी करेंगे। बहादुराबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने जन जागरूकता अभियान के अपने 56वें स्वयं सेवियों के माध्यम से गति दी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी भानु प्रताप चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भेल सेक्टर 2 के संगठन की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। संबंधित लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए नशा मुक्त, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सहित कई और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई है, उसका कार्यक्रम अधिकारी चौहान और हम लोगों का ये विशेष शिविर लगा हुआ है 7 दिवसीय। दिन रात हमारे बच्चे जो वात्सल्य वाटिका में यही रुके हुए हैं, 56 बच्चे हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं, कैंप में रुके हुए हैं और हमारी प्रत्येक दिन की एक टीम बनी हुई है। हमने 21 तारीख से इसका प्रारंभ किया था और आज हम 4वें दिन में इसको प्रवेश कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी टीम थी वो था कि समाज को किस प्रकार स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। हम लोग स्वयंसेवी जो हैं वो नशा मुक्त उत्तराखंड हमारा किस प्रकार हो और संस्कारयुक्त उत्तराखंड किस प्रकार बन सके, इस पर भी हमारी एक विशेष पहल लगी हुई है।
पौड़ी में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला सेक्टर और राज्य सेक्टर केंद्र पोषित 20 सूत्रीय योजनाओं की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि अधूरे कार्यों को जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तनाव का माहौल है, वहीं रुड़की के ढंडेरा में रहने वाला राठौड़ परिवार भी काफी परेशान है। बेटा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। सरकार से बेटे सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने की गुहार लगाई जा रही है परिवार के द्वारा। पिछले कुछ समय से हालत खराब चल रही थी, हम लोग लगातार अपने भाई से संपर्क कर रहे थे जो अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर। हमने सरकार की गतिविधियां हम लोग देख रहे थे, सरकार कुछ बच्चों को ला भी रही है, लेकिन पिछले हफ्ते से हमने टिकट करा रखा था भाई का, वो टिकट कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के साथ साथ हम लोगों की कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ गई हैं। हमारा भाई से भी संपर्क हुआ है, उसका यही कहना है कि बहुत बच्चे आ चुके हैं, बहुत बच्चे वहाँ अभी फंसे हुए हैं। जो बच्चे फंसे हुए हैं उनसे जो हम लोग संपर्क कर रहे हैं वो अभी परेशानी में हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी बुआ जी का भी रो रो के बुरा हाल है, दो दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी संपर्क करने की कोशिश की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक भी अपना यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि मेरा जो भाई विवेक राठौर फंसा हुआ है, वहाँ संपर्क करने से हमें पता चला है कि वो काफ़ी परेशानी में है। मेरा सरकार से यही अपील है, सरकार से मेरा यही कहना है कि इस गतिविधि को थोड़ा तेज़ करते हुए विवेक राठौर को लाने का काम करे। मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया हुआ है। कब से पढ़ रहे हैं? उसका तीसरा साल है। आखिरी बार यहाँ से किस समय गए थे वो, कितने दिन पहले? आखिरी बार ये 9 सितंबर को गया था। ऐसे तो बातचीत हो रही है आपकी? हाँ, बातचीत हो रही है। क्या परेशानी फिलहाल हो रही है? लेकिन बच्चे भी सारे डरे हुए हैं ना कि किसी तरह वहाँ से निकल जाए। अभी मेरे बेटे की 26 तारीख की फ्लाइट थी, वो भी कैंसिल हो गई है। और अभी मतलब सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई है। अभी 28 की है उसकी, अभी पता नहीं वो उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, कैंसिल होगी क्या होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी हमारे पास आ जाए। इस बारे में बच्चे आपके? मेरा तो बेटा वहाँ एक ही गया था ना। अकेला बेटा है? हाँ, अकेला बेटा है मेरा। चंपावत के टनकपुर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत SP देवेंद्र पींचा के निर्देशन सफलता हासिल की है। पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रही है। टनकपुर पुलिस ने दो तस्करों को 21.02 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस और SSB ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया। ये कल रात की टनकपुर थाना टनकपुर की घटना है, जिसमें कोतवाली टनकपुर की और SSP की टीम जॉइंटली चेकिंग कर रही थी। तो उनके चेकिंग करते हुए जो हमारा बैराज है, बैराज के पास में दो नेपाली व्यक्ति जिनका नाम इंद्र ओखेड़ा और सुरेश ओढ़ है, जी दोनों ब्रह्मदेव के रहने वाले थे, इनसे जब चेकिंग की गई, पूछताछ की गई, तो इन दोनों के पास से अवैध स्मैक प्राप्त हुई जिसकी मात्रा लगभग 20 ग्राम थी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मसूरी में बीते दिनों की धूप के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही है और जमकर ओलावृष्टि होने लगी, जिसके बाद पर्यटकों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। लगातार हो रही ओलावृष्टि से बर्फबारी की संभावना भी बढ़ गई है। आसपास लगे पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी होने लगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटन नगरी में एक बार फिर हिमपात हो सकता है। DM ईवा आशीष श्रीवास्तव की पहल पर नरेंद्र नगर में देव सुमन संयुक्त चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। बता दें कि बौराड़ी अस्पताल के बाद नरेंद्र नगर में बना देव सुमन संयुक्त चिकित्सालय जिलों का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बने 50 बेड वाले इस अस्पताल की लचर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जिला अधिकारी की ओर से पहल की गई। THDC के सेवा विभाग ने 40 लाख की लागत से अस्पताल को बेहतरीन अल्ट्रासाउंड मशीन, लॉन्ड्री मशीन उपलब्ध कराई है। THDC के माध्यम से चिकित्सालय को एक अल्ट्रासाउंड मशीन एवं एक लॉन्ड्री मशीन प्राप्त हुई है एवं एक मॉर्चरी वैन आज प्राप्त होने की संभावना है। इससे चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
जिला अधिकारी की पहल पर जो TIDC के माध्यम से जो यहाँ पर नरेंद्रनगर सुमन हॉस्पिटल पे जो लॉन्ड्री मशीन और मोर्चरी वाहन और अल्ट्रासाउंड जो मशीनें जो भेजी गई हैं, मैं जिला अधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कि यहाँ पर यहाँ की सुविधा को देखते हुए यहाँ के लोगों को देखते हुए उनके इलाज के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधा मिल सके, जिससे कि ग्रामीण जो क्षेत्रों में ना हॉस्पिटल ना होने के कारण उन्हें नरेंद्रनगर में अच्छी सुविधा मिल सके, इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खबर हरिद्वार से है जहां यातायात पुलिस ने सामाजिक कल्याण विकास समिति के सहयोग से स्टॉप लाइन का पालन करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने का काम किया और साथ ही साथ स्टॉप लाइन का पालन ना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही। इसमें लोगों को स्टॉप लाइन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग स्टॉप लाइन का सम्मान नहीं करते, उससे पहले वहाँ रोकते नहीं है, जो कि एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। इस वजह से टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ऑटो रिक्शा सभी को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और जो लोग स्टॉप लाइन का सम्मान कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।